अपना इंट्रो दे दो भाई। हेलो गाइस, जो मुझे नहीं जानते, मैं हूँ आशीष, एनएसयूटी से हूँ। मैं सेकेंड ईयर सीएसआई ब्रांच से। मजाक गाइस ये टॉपर है, इससे जो भी पूछना तुम लोग पूछ सकते हो। ठीक है, कर रहा गाइस। अभी तुम्हारा अप्रैल अटेम्प्ट आ रहा है, तो अप्रैल अटेम्प्ट के लिए जो भी तुम्हें पूछना है पूछो। ये बताओ, ऑडियो आ रहा है आशीष का? भैया फर्स्ट अटेम्प्ट वेस्ट कर दिया, सिली मिस्टेक की वजह से बुरा हो गया। सेकेंड अटेम्प्ट कब से आपसे बात करना चाहता था, पर टाइम नहीं मिलता। बता भाई लेजेंड, क्या बात है बता। बताओ भाई, क्या दिक्कत आ रही है? ध्रुव शर्मा, भाई जी भैया जैन में 68 मार्क्स है, अप्रैल में 97 98 परसेंटाइल लाने के लिए रोड मैप बताओ। बताता हूँ, पहले आशीष का एक बार आवाज़ आ रहा है, बताओ जरा एक मेरी बार। आवाज आ रही है? आ रही है तो थम्स अप कर दो गाइस। अगर आशीष की ऑडियो सही आ रही है तो एक बार बता दो चैट में कि हाँ सही आ रही है, क्योंकि हमें पता नहीं चल रहा है यहाँ से। 68 मार्क्स है अप्रैल में 97 98। बताता हूँ पहले आशीष, आवाज आ रहा है एक मेरी बार। आवाज आ रही? तेरी आ रही है, बस तेरी आ रही है, मैं देख लिया। सो गाइस देखो, सबसे पहले तो भाई बहुत कम आई जैन में परसेंटाइल अप्रैल वाले में, कैसे करूं? देखो लेजेंड और ध्रुव, तुम दोनों का एक ही दिक्कत है कि तुम्हारा परसेंटाइल बहुत कम आया है एंड तुम्हें अब इम्प्रूव करना है अप्रैल अटेम्प्ट में। तो सबसे पहले तो भाई सीरियस होना पड़ेगा अप्रैल अटेम्प्ट को लेके। ठीक है, अब इससे नहीं सीरियस हो गए तो फिर नहीं होने वाला कुछ भी। आ रही है दोनों की आवाज़, वो स्लो मोड में, स्लो मोड चालू है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, स्लो मोड ऑफ कर देता हूँ, एक मिनट रुको। क्वेश्चन तो यार पैसे लेजेंड, जो तू बोला था सिली मिस्टेक का, मैं उसका बताता हूँ। वो तुझे लग रहा है कि सिली मिस्टेक है, ठीक है? सिली मिस्टेक्स मैक्सिमम 2-3 क्वेश्चंस पे ही होते हैं। बाकी जो तू बोला है सिली मिस्टेक्स ज्यादा हुआ है, इसका मतलब वो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं वीक है तुम्हारा। तुमको लगता है कि आ रहा है बट वो फुली तरीके से नहीं आता, ठीक है? तो एक बार उन सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करो अच्छे से, और वापस से जो क्वेश्चन गलत थे जेईई मेंस के, उसको दोबारा से ट्राई करो, और देखो क्या इस बार वो गलती सेम हो रही है वापस से। अगर हो रही है तो अभी भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अगर सही होती है तो समझ जाओ कि ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर पे जा सकते हो। हाँ। और तुम लोगों को क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्वेश्चन सॉल्विंग करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी चीज़ है। ठीक अगर है, तुमको नहीं समझ आ रहा कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें, तो तुम लोग प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स है ना, उनके लास्ट के एक दो पेपर्स को पूरी बस सॉल्यूशन देख जाओ कि कैसे कैसे सॉल्व होते हैं क्वेश्चंस, देख के पैटर्न समझो। सबसे इंपॉर्टेंट है पैटर्न समझना। और PYQs में अब इस साल में तुम्हारे और PYQ क्वेश्चंस ऐड हो गए हैं, ठीक है, 2024 के, तो सबको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। जब तक दोनों सॉल्व नहीं करोगे तब तक नहीं होने वाला कुछ भी। हाँ यार, अब तो बहुत टाइम है, मतलब तुम्हारे पास 60 डेज के अराउंड है मिनिमम। 60 दिन में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो सकती है। तुम अपनी गलतियां देखो, क्या तुमने किया फर्स्ट अटेम्प्ट में। उसके अलावा जो चैप्टर्स तुमने छोड़ के गए थे, उन सारे चैप्टर्स को रिवाइज करो, और जो तुम्हारे स्ट्रॉन्ग चैप्टर है उनको और स्ट्रॉन्ग करो। टाइम है यार, 60 दिन में अगर तुम बेसिक से कोई चैप्टर करना चालू भी करते हो तो 3 से 4 दिन में आराम से एक चैप्टर पूरा अच्छे तरीके से कर सकते हो। तो 20 चैप्टर तुम नए भी कर सकते हो 60 दिन में। बाकी जो पहले के तुम्हारे स्ट्रॉन्ग है वो तो स्ट्रॉन्ग है ही। 50 चैप्टर जेईई मेंस के लिए कर लो अच्छे से, 150+ मार्क्स आराम से आ जाएगा, लेकिन 50 अच्छे से होने चाहिए। और इजी चैप्टर बता दे कुछ कुछ। यार इजी तो सब आने के ऊपर होता है, ठीक है? इजी में जैसे तुम केमिस्ट्री की बात कर लो, तो इनऑर्गेनिक तो पूरी इजी ही है, अच्छे से कर सकते हो तुम। एनसीईआरटी बस कर लो, इनऑर्गेनिक के लिए बेस्ट है। ऑर्गेनिक के लिए तुम्हें पूरी, मतलब स्टार्टिंग के पहले चैप्टर से एंड के सारे चैप्टर्स का हर कॉन्सेप्ट आना चाहिए, तो सारे क्वेश्चंस बनेंगे। क्योंकि ऑर्गेनिक क्या लिंक होती है पहले के चैप्टर से बिल्कुल, तो ऑर्गेनिक तो तुमको अच्छे से करना पड़ेगा। बाकी फिजिकल की तो प्रैक्टिस से हो जाएगी। रहेगी बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स में तुम स्टार्टिंग के जो चैप्टर्स होते हैं यूनिट एंड डायमेंशन वगैरह, अगर वो आ रहा है तो वो सब कर लो। भैया बहुत रिग्रेट हो रहा है, कोचिंग का रिजल्ट देख के बहुत डिमोटिवेट हो गया, साथ के बच्चों के इतने अच्छे आया है, पूरा रिग्रेट हो रहा है।
तो भाई देख, बात ऐसी रिग्रेट करने से तो कुछ चलेगा नहीं। अब तुझे बैठ के एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, ठीक है? और अभी अप्रैल अटेम्प्ट है तुम्हारे पास, तो उसमें तुम चाहो तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। हाँ यार, 2 महीने बहुत होते हैं, अभी आराम से कर सकते हो। एंड कोचिंग में जो दोस्तों के तुम्हारे आ रहे हैं, जो तुम्हारे आसपास के फ्रेंड्स के आ रहे हैं, ठीक है, उनसे ज़्यादा डीमोटिवेट मत हो, क्योंकि क्योंकि भाई उनका जो मार्क्स आया है, उनका अलग पेपर होगा, उनका शिफ्ट अलग होगा, उनका बहुत कुछ अलग हो सकता है, ठीक है? तो वो सब चीज़ तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। कोशिश करो कि जो तुम कंट्रोल कर सकते हो उसको अपने बहुत अच्छा करो, बहुत बेस्ट करो, एंड लग जाओ अभी से। एंड हाँ गाइस, सबसे और मॉक टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मॉक टेस्ट देते रहना टाइम टाइम पे, मॉक टेस्ट बिल्कुल मत छोड़ना। और ये मत सोचना कि मेरा तो अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं है, मैं मॉक टेस्ट क्यों ही दूँ, ठीक है? ये मत सोचना कि मॉक टेस्ट क्यों ही दूँ, मेरा तो सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है, बिना सिलेबस कंप्लीट के मॉक टेस्ट दूंगा तो नहीं नंबर आएंगे तो फिर और डिमोटिवेट हो जाऊंगा। नहीं, सिलेबस कंप्लीट नहीं है फिर भी मॉक टेस्ट देते रहना, ठीक है? और ध्रुव ध्रुव भाई भाई कैसा सबके साथ होता है। है ध्रुव? ध्रुव को भाई एक्स मिल गई थी उसकी DTU में। कौन आया DTU में, ये तो बता। श्रेया घोषाल। भाई फर्स्ट ईयर वाले जब आए हैं पनौती लेके आए हैं हमारे लिए, पता है तुझे, हाँ, इनके वजह से एफिडेविट कट गया भाई। कितने चैप्टर्स करूँ, 45 डेज हैं, कितना पॉसिबल है? देख, सारे चैप्टर करने का भी ज़रूरत नहीं है। तूने पहले तुझे अपने आप को ट्रैक करना पड़ेगा, ठीक है, कि तूने कितना अभी तक प्रिपेयर किया है, ठीक है? तेरा प्रिपरेशन अभी किस लेवल तक है, एंड तुझे और क्या क्या अभी प्रिपेयर करने को है, ठीक है? एंड कॉन्फिडेंस देख, कॉन्फिडेंस मॉक में जब तक नंबर नहीं आएगा ना, तब तक तेरा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है? यार 45 दिन को डिवाइड कर लो, ठीक है, जैसे तुम, मैं बताऊंगा मेरे हिसाब से। अगर मुझे अभी तैयार करना होता तो मैं 15 दिन जो होता अपने पूरे पुराने स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स को और जो मीडियम टॉपिक है उन सब पे दे देता। उसके अलावा जो बचे हुए 30 दिन है उसमें से 25 दिन मैं पूरे नए चैप्टर्स को करने में लगाता और 5 दिन मॉक टेस्ट वगैरह के लिए रखता अलग से, फाइनल रिविजन के लिए। फेडरिक मिलो इससे, ये आशीष है, ठीक है, CSAI में तुम्हारा सीनियर एंड टॉपर है, इससे जो भी पूछना तुम्हें पूछ सकते हो अप्रैल अटेम्प्ट को लेके। है फेडरिक कौन है भाई? द्वारका में ही रहता है। भाई मैं 1 महीने नहीं आया, कैसे क्या हो गया? आज सोच रहा था आपसे बात करना और आप लाइव आ गए। बोलो भाई, क्या बात करनी है? आशीष को तो सब चैनल पे भूल ही गए हैं, कौन है कौन है ये। भाई कोई ना, याद दिला देंगे। हाँ भाई, NSUT में अभी तो मिड सेम भी आ रहा है इनका, हमारा भी आ रहा है वैसे।
भाई ये अमन तोमर को जानता है? सीएसई ब्रांच में शायद नाम सुना हो नाम तो मैंने भी सुना है भाई। भैया। अप्रैल में अप्रैल 60% में अगर एडवांस परसेंटाइल और हो। एडवांस में 8 के रैंक चाहिए बस यार। ऐसे टारगेट्स बनाने से तो कुछ नहीं होगा मेरे हिसाब से। पहले मेंस की तैयारी अच्छे से करो, उसके बाद टाइम मिलेगा वापस से 1-1.5 महीने एडवांस के लिए, फिर एडवांस की तैयारी करना। हाँ अभी एडवांस के ऊपर अपना दिमाग खराब करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है? पहले तुम अपना एक एनआईटी अच्छा सिक्योर करो। जब तक एनआईटी सिक्योर नहीं करोगे तब तक तुमको एडवांस क्वालिफाई एंड क्रैक करने का कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा, ठीक है? यार 12 घंटे पढ़ रहा हूँ यार, देखो 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन लेकिन प्रोडक्टिविटी कितनी है वो ध्यान देना, ठीक है? एटलीस्ट 8 से 9 घंटे अच्छी होनी चाहिए 12 घंटे में। हमारी एफिशिएंसी क्या है ये बताओ ना, अगर हाँ 12 घंटे पढ़ रहे हो तो बारह एफिशिएंसी घंटे में ज़्यादा सिर्फ इम्पोर्टेंट। अब तुम 12 घंटे में भाई हर 1 घंटे पे अब तुम 5 मिनट का ब्रेक लेते हो, तुम्हारा दिमाग इधर उधर रहता है, तो वो भी खराब चीज़ है, समझे? सही बात, पॉइंट है। एंड डिप्रेस्ड मत रहना कि किसी की जगह 27, 29 जैन कोई पढ़ा है पेपर, किसी की जगह नहीं, बहुत लोगों का, एंड उससे फिर कोई फायदा नहीं है, ठीक है? अगर वो तुम्हारे हाथ में था ही नहीं वो चीज़, बोर्ड है 2nd वीक ऑफ मार्च तक, फिर कैसे पढ़े जेई के लिए बताओ आशीष। बोर्ड से 2nd वीक ऑफ मार्च तक फिर कैसे पढ़े जेई के लिए? यार देखो जेई का जो सिलेबस है वो बोर्ड्स में आता है, ठीक है? वो जो चैप्टर्स तुम बोर्ड के लिए तैयार कर रहे हो वो एटलीस्ट इतनी अच्छी तरीके से कर लो कि जेई मेंस के लिए भी तैयार हो जाए। उसके अलावा उसके बाद बोर्ड्स खत्म हो जाएंगे, फिर टाइम मिलेगा तुमको 1 महीने के आसपास मेंस के लिए, तो उनके अलावा बचे हुए चैप्टर्स कर लेना। एटलीस्ट तुम्हारा 20 से 25 चैप्टर आई थिंक बोर्ड्स के कवर हो जाएंगे जेई मेंस के साथ। तो यार वही है, बैलेंस करके चलना पड़ेगा दोनों चीजें, सिर्फ बोर्ड्स बोर्ड्स मत करना ना। एनसीईआरटी तो आ रही है आजकल जेई मेंस में। हाँ जेई मेंस में तुम अगर 27 और 29 का पेपर उठा के देखो, सीधे सीधे एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन है, ठीक है? कुछ इधर उधर से क्वेश्चन नहीं आया हुआ। वही तो, बाकी रहेगी बात, लेजेंड बोल रहा था कि अगल बगल वालों को देख के डिप्रेशन हो रहा है। यार जिसके अच्छे मार्क्स आए उनसे थोड़ा जाके टिप लो कि उन्होंने क्या गलतियां नहीं की हैं जेई मेंस के पेपर में, कि नंबर अच्छे हैं, ठीक है? डिप्रेशन नहीं चाहिए उनसे, उनसे चाहिए मोटिवेशन, टिप्स वगैरह लो जाके उनसे, फायदा होता है भाई। आशीष वोरा क्लासेस इनफ है? यार वोरा क्लासेस से तो मैंने भी ली थी, चैप्टर्स कुछ कुछ पढ़े थे, सही पढ़ाया इनफ है यार। इनफ तो है, मतलब वोरा क्लासेस का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मैथ्स बढ़िया मैथ वोरा सर बहुत मस्त पढ़ाते हैं, है। केमिस्ट्री भी मैं बोलूंगा सही है, 90% ठीक है, लेकिन 60 में तुमको एनसीईआरटी करनी पड़ेगी, मैथ्स में फिर हाँ वो इनफ हो बोलूँगा, जाएगी। मैथ्स तो भाई तुम्हारा बेस्ट है वोरा क्लासेस से। फिर भैया आपको मैसेज किया था पहले 210 मार्क्स का सेम मार्क्स आए बट परसेंटाइल 97.69 मिले, अब एडवांस कर रहा हूँ एंड बोर्ड्स मैंने 11th ही आधा किया था। चल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर तेरा 210 पे 97 आया मतलब तेरा इजी शिफ्ट तुझे मिला हुआ था, एंड 97 भी बट ख़राब नहीं है, तेरा एक NIT सिक्योर हो गया है। बोल यार मैं बोलूंगा कि अगर 97.69 आ चुका है और 210 मार्क्स थे, इसका मतलब कॉन्सेप्ट तुम्हारा अच्छा है, ठीक है? बहुत सारे क्वेश्चंस तुमने बना लिए हैं, वो शिफ्ट में बच्चे ज्यादा थे पहली सी और दूसरी सी सबके लिए जी था, तो तुम अब एडवांस की तैयारी कर सकते हो अगर तुमको डिसेंट कॉलेज चल जाएगा तो। अगर एडवांस में कुछ गंदा लग खड़ा होता है तो, समझे? अगर 210 अभी आया है तो तुम एडवांस की तैयारी करोगे तो 210 मतलब 97 से अधिक ही आएगा अगले अटेम्प्ट में, तो एडवांस की तैयारी चालू कर दो भाई। बढ़िया जनीन भाई बढ़िया। जैन भाई बढ़िया, भावना यू यू कैन गो फॉर वोरा क्लासेस, सही है उनका लेक्चर सीरीज, ठीक है? यार लेकिन वो जो उनकी क्लासेस हैं 1 घंटे की जो वन शॉट्स वो तो बेस्ट है, लेकिन साथ में उसके अलावा भी तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है? एनसीईआरटी और मैथ्स के लिए पीवाईक्यूज़। 90% लाए प्लस लानी है बस, चाहे कुछ हो जाए, कुछ स्पेशल टिप्स दे दो आप दोनों। यार अगर सिर्फ आशीष 90% लानी है तो यार इजी है, देखो 90% मतलब अगर मीडियम शिफ्ट है तो 90 से 100 नंबर पे आ जाता है इजली, और अगर 90 से 100 नंबर लाने हैं तो तुम्हें सिर्फ 20 से 25 चैप्टर तैयार करने हैं। अब तुम वो कौन से 20 से 25 चैप्टर तैयार करते हो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, बिल्कुल आराम से आएगा। पूरा सिलेबस कवर ही मत करो ना अगर तुम्हें सिर्फ 90% प्लस लाना है तो, क्यों फालतू में दिमाग ज्यादा मारना, अच्छे चैप्टर्स करो और स्ट्रॉन्ग कर लो उनको बहुत अच्छे से। हाँ हाँ मानव मुझे याद है भाई, आलोक मोहित भाई, त्यागी मोहित रिव्यू। त्यागी इज द बेस्ट चैनल फॉर जेई मेंस एंड जेई एडवांस, लेकिन टाइम नहीं है तुम्हारे पास अगर अभी से तुमको तैयारी करनी है तो। वो इलेवेंथ नहीं नहीं ट्वेल्थ वो वाले ड्रॉपर स्टूडेंट्स है, के लिए ठीक है,
या फिर ड्रॉपर्स के लिए ठीक है? मतलब पूरी अगर तैयारी करनी है तुम्हें बेसिक से लेकर एडवांस तक, तो फिर मोहित त्यागी का चैनल बेस्ट है। बट अगर तुम्हें टाइम नहीं है, वन शॉट वगैरह करना है, तो फिर अनअकैडमी के जो चैनल्स हैं, ये निशांत बोरा सर वगैरह हैं, इनके वीडियोस देखो, अच्छे रहेंगे। क्या टारगेट कर रहे हो तुम लोग अप्रैल को लेके? यार मैं बोलूंगा अप्रैल को टारगेट मार्क्स या फिर रैंक पे मत करना। अब ये करना कि तुमने जो मिस्टेक्स किए हैं पहले मेंस में, वो सारे मिस्टेक्स तुमको उस अगले पेपर में नहीं करना है, उसके हिसाब से तैयारी करना, ठीक है? मार्क्स टारगेट तो करने से कोई फायदा नहीं है, जितना आना होगा आ ही जाएगा। आलोक झा, आपने बोला था कि 1 साल का प्लान बताओगे लाइव स्ट्रीम पर। देख मैं बताता हूँ, ठीक है? आलोक झा इधर ध्यान से सुन। फॉर ड्रॉपर्स सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट है जल्द से जल्द, ठीक है, अपना सिलेबस शुरू कर दो कवर अप करने, ठीक है? सेकंड चीज, ऐसा बिल्कुल मत करना कि जो चैप्टर तुमने 11th एंड 12th में पढ़ा है उसको तुम स्किप कर रहे हो। नहीं, उसको दोबारा पढ़ना है तुम्हें। एंड अगर तुमने उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा था अगर 11th में, तो उसको फिर तुम इस बार ठीक ठीक वन शॉट से रिवीजन करते हुए तुम उसको कवर कर सकते हो। एंड जो चैप्टर तुमने अच्छे से नहीं पढ़ा था उसको तो स्क्रैच से पढ़ना शुरू करो एंड एकदम हाई लेवल तक पढ़ो, ठीक है आलोक? सेकेंड चीज, अपना मॉड्यूल सॉल्व करते रहना है, मॉड्यूल बिल्कुल मत छोड़ना। मॉड्यूल या फिर जो भी तुम्हारे पास मटेरियल है उसको हमेशा सॉल्व करते ही रहना, उसको छोड़ोगे तो खत्म हो जाएगा फिर सब चीज़। एंड PYQ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट फोकस तुमको PYQ पे करना है एंड मॉक टेस्ट पे करना है, ठीक है? बेसिकली तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत ही अच्छे से होनी चाहिए तुमसे, ठीक है? जब तक तुम प्रॉब्लम सॉल्विंग ठीक से नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। एंड इस बार तो बैकलॉग का कोई चांस ही नहीं है क्योंकि तुम्हारे पास 1 ही साल है, तो बैकलॉग वैकलॉग तो भूल ही जाओ। सेकेंड चीज़, बहुत डेडिकेशन चाहिए पढ़ने में, एंड सिस्टमेटिकली पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ड्रॉपर्स का तुम जाओ यूट्यूब पे, एक तुम्हें वो मिलेगा सीरीज, मतलब कि किस सीक्वेंस में तुम्हें चैप्टर्स पढ़ने हैं फॉर ड्रॉपर्स, हर सब्जेक्ट का मिल मोहित जाएगा। त्यागी के चैनल पे अच्छा सा बना रखा है वीडियो। तो तुम जाके देख सकते हो, मोहित त्यागी सर के चैनल पे है, ठीक है? इतना बेसिकली तुमको मेहनत करना पड़ेगा। जैन भाई सिलेबस खत्म कर दिया है, अच्छी बात है यार फिर तो। बट यार पीडब्ल्यू रिवीजन वरन, करते टाइम पे ध्यान देना कि रिवीजन ऐसा करना कि दोबारा फिर से ना पढ़ना पड़े। लास्ट टाइम तुम उस चैप्टर को कर रहे हो ऐसा सोचे करना, ये ना कि एक ही चैप्टर को 3 बार रिवाइज करना है, ऐसा सोचे मत करना। भैया 18 तक जितना करा था पहले उसको ही रिवाइज करूंगा, फिर बोर्ड्स के साथ जितना पॉसिबल हो उतना करूंगा, फिर 2 से 10 तक का टाइम है उसमें न्यू चैप्टर्स करूंगा। सही है, हाँ ऐसे अगर तुम डिवाइड कर लियो तो अब तुम्हारे पास बेसिक स्ट्रक्चर हो जाएगा कि कैसे कैसे क्या करना है। जैसे तूने क्या बोला, 18 तक जितना पहले पढ़ा था उसको रिवाइज करेगा, ठीक है? फिर बोर्ड्स के साथ साथ पढ़ेगा पैरेलल में बोर्ड्स तक, ठीक है? फिर 2 से 10 तक न्यू चैप्टर्स करेगा, 2 से 10 तक, ठीक है? सही है। आलोक भाई अगर तुमने डिसाइड कर लिया है कि ड्रॉप लेना है तो सही है यार, ड्रॉप लेने के लिए डिसाइडेड है, फाइनल है, तो स्टार्टिंग से ही कर देना। मतलब जैसे बोर्ड्स खत्म हो वेट मत करना किसी चीज का, नया बैच लेके चालू कर देना पढ़ाई। यार मेंस के PYQ तो बहुत सारे चैनल्स कराते हैं यार, अनअकैडमी पे तो बहुत सारे अनअकैडमी वालों ने ही करा रखे हैं, PW भी कराता है, वो लाइव भी स्ट्रीम। मोहित त्यागी सर के चैनल पे आता है, हाँ मोहित त्यागी चैनल के भी कुछ चैनल पे स्पेशल होता टिप दे भाई जेई का। भाई देखो सबसे बड़ा स्पेशल टिप मैं केमिस्ट्री के लिए बताता हूँ क्या है, कि तुम्हारा शॉर्ट नोट्स है सबसे है। बढ़िया चीज़ है, ठीक है? केमिस्ट्री का तुम एक बड़ा सा पेपर लो एंड उस पर छोटा छोटा शॉर्ट नोट्स चेट टाइप का बनाओ एंड एक एक चैप्टर को एक एक पेपर में कंप्लीट करो एंड उसको रोज रिवाइज करो। जब तक ये नहीं करोगे तुमसे केमिस्ट्री नहीं होने वाला, एंड केमिस्ट्री जब तक नहीं होगा तुमसे जेई क्रैक नहीं होगा, ठीक है? और नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए तुम कई सारे बुक्स रेफरेंस में लेना। पहले तो जो तुमने नोट्स बना रखे हैं वो, साथ में NCERT ऐड करना। उसके अलावा एक एलन का आता है वो शॉर्ट नोट्स की बुक, उसको भी साथ में रेफरेंस लेना, और तीनों को मर्ज करके अपना खुद का एक शॉर्ट नोट्स बनाना, हाँ वो फाइनल होगा तुम्हारा। PW के अलावा बहुत सारे करवाते हैं यार। अब तुम इंडिविजुअल चैनल मिल जाएगा, जैसे जेई नेक्सस भी शायद करवाता है, मुझे ठीक से याद नहीं है। मोहित त्यागी सर के चैनल पे तो आता ही है PYQ सॉल्यूशंस, ठीक है?
फिर और भी चैनल्स है, वेदांतु पे आता है, अनअकैडमी पे आता है, ठीक है, तो इन सब पे भी तुम एक बार विजिट, JEE 1 पे आता है, JEE 1 पे आता है, ठीक है। आलोक तुम्हारे कितने मार्क्स हैं भाई? बताओ पहले। मेरा दोस्त बोल रहा है कि ड्रॉप लेने का कोई मतलब नहीं है, अगर तुम ड्रॉप नहीं लोगे तो फ्यूचर में तुम्हारा क्या स्कोप है, उसके अलावा तुम क्या करोगे ये बताओ, उसके बाद बताऊंगा कि लेना चाहिए कि नहीं। अगर इंजीनियरिंग ही करनी है तुमको किसी अच्छे कॉलेज से तो फिर तो ड्रॉप लेना ही पड़ेगा, प्राइवेट कॉलेज थोड़ी ले लोगे पहले बार में, एटलीस्ट एक अटेम्प्ट तो और दो ना। भाई मैं आयरलैंड में ही हूँ, मैं गलती किया था एडमिशन लेकर, मैंने 11th में छोड़ा, फिर 12th में ज्वाइन करा, फिर थोड़ा थोड़ा समझ आया कि एटलीस्ट मैंने खुद से प्रेप करा। हाँ वैसे दिल्ली वाला यार आयरलैंड तो बेकार है। यार बात ये है ना, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है जेई के प्रिपरेशन में, ठीक है, और कुछ नहीं। अगर तुम डेली 3 से 4 घंटे भी पढ़ते हो पूरे 2 साल के लिए तो बेस्ट होता है, अगर तुम बीच में भी थोड़ा सा भी 1-2 महीने का गैप आता है ना पढ़ाई में, फिर बर्बाद। उसके बाद भाई फिर ऊपर नीचे बहुत सारी चीजें होती हैं, आगे का सिलेबस छूटता है, पीछे वाले तुम भूल जाते हो, फिर बेसिक से स्टार्ट करना होता है, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हो तो फिर टाइम खराब होता है, डाउट्स आने लगते हैं, तो इसलिए कंसिस्टेंसी सबसे इंपॉर्टेंट है। IIT दिल्ली जाना है यार तो ड्रॉप तो लेना ही पड़ेगा, उसके लिए तो फिर कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। IIT तो एडवांस ही मिलती है, एडवांस देना है तो ड्रॉप ले लो, अगर इस बार देना है तो देकर ट्राई कर लो, वरना अगले साल दे देना। JEE 1 Shift 1, अच्छा, समझ गया। थोड़ा एवरेज सा पेपर था उस दिन, ज़्यादा टफ भी नहीं था, ज़्यादा इजी भी नहीं था। एक चीज़ और ड्रॉप में याद रखना ड्रॉप ईयर में, कि अपने उन मिस्टेक्स को नोट करना जिनके कारण तुम इस बार JEE ठीक से क्रैक नहीं कर पाए थे, ठीक है, एंड फिर उसको दोहराना नहीं है तुम्हें दोबारा से, ये भी याद रखना। भाई 2 लाख बर्बाद हो गए लोकल कोचिंग में, किसी की रैंक नहीं आई, तो भाई लोकल कोचिंग में इसलिए तो नहीं जाते हैं, या तो तुम सेल्फ स्टडी कर लेते या फिर तुम कोई बढ़िया इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर लेते, लोकल में जाने का तो कोई मतलब नहीं है, समझे। यार तुम अगर ड्रॉप ले रहे हो तो मैं बोलूंगा कि तुम पैसे रुपए को छोड़ के भूल जाना, बस तुम ये सोचना कि तुम्हारे पास 1 साल है, तुम जितना एफर्ट डाल सकते हो उतना डालना, ठीक है, ये 1-2 लाख रुपए ऊपर नीचे जो होता है ये मायने नहीं रखता, अगर तुम्हें कोई एक अच्छा कॉलेज मिल जाता है तो, ठीक है, 1 साल है फुल, अपना भाई टाइम दे दो अच्छे से, उसके बाद तो जो होना होगा होगा ही। मैंने लास्ट में मोहित के चैनल से प्रेप करी थी तब जाके इतना आया, वरना तो जनिन तेरी डाउट की तरह रुक जा। भैया कोई यूट्यूब चैनल बता दो जो मेंस के PYQ करा दे, बताया तो मैंने JEE 1, मोहित त्यागी, PW, वेदांतु, ठीक है, JEE नेक्सस, ठीक है, यार इतने PYQ में तो सारे। बहुत सारे चैनल्स हैं, PYQ करना है कि मैं, तुम खुद से करो ना PYQ, यार बुक ले लो PYQ की और उसके सॉल्यूशंस देखो, अगर तुमसे नहीं होता तो जो होता है खुद से कर लो, अगर उसके बाद भी कुछ नहीं होता तो चैप्टर्स वापस से पढ़ लो, क्योंकि यार 1 घंटे में सिर्फ 5 से 6 क्वेश्चन सॉल्व करता है कोई भी यूट्यूब चैनल वाला, तुम 1 घंटे में कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे अगर खुद करते हो तो, क्योंकि जेई मेंस का क्वेश्चन 2 से 3 मिनट से ऊपर का नहीं होता कभी भी। उसका नहीं आया भाई, एक और तेरा फ्रेडरिक भाई PW के अलावा कोई चैनल बताओ, ये तुम्हारा लास्ट कमेंट है आलोक यानी जैन, नहीं दिख रहा, मुझे नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा यार, वापस से कर दो फिर। मैं मुंबई में था और इधर पर कोई अच्छी कोचिंग नहीं थी तो उसी में ले लिया, और इसमें मेरे दो दोस्त थे जिन्होंने 1 साल पहले से क्लास जाना छोड़ दिया, और मोहित त्यागी के उससे पढ़ के 99.5 ने 99.57 आया।
यार एक साल बोल तो रहा हूँ कंसिस्टेंट पढ़ो, कहीं से पढ़ो ठीक है, पढ़ना इंपॉर्टेंट है और कंसिस्टेंसी मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, रैंक आनी ही है। अगर बीच में ब्रेक लेते हो, फिर पढ़ाई चालू करते हो, फिर चैनल चेंज करते हो, फिर कोई दूसरा कोचिंग का मटेरियल सॉल्व करते हो, तो फिर नहीं आने वाली रैंक। एक रिसोर्स उठाओ, एक चैनल लो, पढ़ने बैठ जाओ, बात खत्म। और अगर ऑनलाइन पढ़ना है यूट्यूब से, तो मैं बोलूंगा मोहित त्यागी चैनल का तो बेस्ट है, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। वही ग्लिच हो गया आपके चैनल के साथ शायद, जो पहले हुआ था। कोई ना जैन, वापस से एक बार कमेंट कर दे भाई, अब आ जाए शायद। यार आलोक, ये तो उसका पर्सनल मैटर है भाई, इसमें हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते। भैया मेरा 98.83 बना है इस बार, कौन सा कोचिंग, कौन सा कॉलेज लेना चाहिए मुझे? यार तुम्हारा स्टेट कौन सा है पहले ये बताओ, और कैटेगरी कौन सी है ये बताओ। भाई ने मेरा 98.83 बना है, इस बार कौन सा कॉलेज लेना चाहिए? कैटेगरी और स्टेट बताओ भाई, उसके बाद। हेलो, भैया आपने जितना फ्री में डाउट सॉल्व किया और गाइड किया, उतना मेरे कोचिंग में 2 लाख लेके भी नहीं। भैया कल से पीडब्ल्यू में मंजिल फिर से स्टार्ट हो रही है, 11 में हूँ, देख लूँ क्या? जनरल से हूँ और स्टेट यूपी। यार अमृत फिर देख, ब्रांच डिपेंड करता है तुम्हें सीएसई चाहिए या फिर कॉलेज अच्छा चाहिए, ये बताओ पहले। ब्रांच मैटर करता है तुम्हारे लिए या फिर कॉलेज? अब जो टाइम है यार काउंसलिंग में, टेंशन ना लो, पूरी काउंसलिंग करा देंगे तुम्हारी, तुम बस पेपर दो पहले अच्छे से। अगर मेंस में 99 बना है राउंड, तो एडवांस तो तुम फोड़ सकते हो यार, एडवांस से फोकस करो अभी से, फिर तो तुम्हें आईआईटी भेजेंगे सीधे, क्यों कॉलेज पूछना अभी से। यार एक गलती मैंने भी की थी कि मेरा मेंस अच्छा गया था, तो फिर मैंने एडवांस की तैयारी नहीं की थी, मैं इसी चीजों में बिजी हो गया कि कौन सा कॉलेज लूँ, क्या करूँ वगैरह वगैरह, ठीक है, और मेरा एडवांस खराब हो गया। तो मैं तुमको यही बोलूंगा, अभी टाइम है, कॉलेज वगैरह की चिंता छोड़ दो, सर तो मैं बता रहा हूँ, मैं कॉलेज सर मिल जाएगा अच्छा, तुम अभी एडवांस की कहाँ जा तैयारी रहा है? करो। बढ़ने जा रहा है, रात में चलेंगे शादी में। एक बार घनश्याम कॉल कर रहा था, लंगड़ा खेल हो गया उसके यार लिए। अमृत मैं तुम्हें बता दूंगा, बहुत सारे कॉलेज मिल जाएंगे ठीक है। ब्रांच मैटर करता है तो तुम सीएस ही, तो फिर तुम बोलोगे तुम्हें चाहिए तो सीएस के लिए आई थिंक यार तुम्हें मिल जाएगा एनआईटी भोपाल सीएस, 12-13 हज़ार रैंक है तो ठीक मिल है, जाएगा। एनआईटी हाँ पटना सीएस, ठीक है? इतना मत सोचो, ठीक है? अभी अभी जाओ और एडवांस का प्रिपरेशन करो, तुम्हारा अच्छा परसेंटाइल आ गया है, ठीक है? मोटिवेटेड रहो, एंड कॉलेज को लेके इतना दिमाग खराब करोगे तो दिमाग खराब होते चले जाएगा। तुम ये मत सोचो ना कि तुम्हें कॉलेज मिल रहा है, अब पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है यार, पढ़ाई करो ठीक है। लास्ट में तो तुम्हारा रैंक थोड़ी खराब होने वाली है, जो रैंक आ चुका है वो तो रहेगा ही, तो तुम एडवांस की तैयारी करो अच्छे से। भैया अगर बोर्ड्स में 75 नहीं आए तो फिर क्या होगा, मतलब ड्रॉप में फिर से बोर्ड्स? यार इंप्रूवमेंट तो देनी पड़ेगी तुम्हें ठीक है, क्योंकि 75 से कम पे कुछ कॉलेजेस एंट्री नहीं देते हैं। भैया 93.860% आई है, बढ़िया बात है। टीबीएस डीएसपी और इम्प्रूव कर भाई, और क्या, अप्रैल में कोशिश कर कि 93.8 से तू 96 क्रॉस करो, 95 क्रॉस करो, ठीक है?
यार बोर्ड्स भी इजी होता है यार, 75 लाना बोर्ड्स में। तो तुम्हें कोई आंसर नहीं भी आता है ना तो कुछ लिख के आना, ठीक है, मार्क्स मिलते ही मिलते हैं। अगर बोर्ड्स में 75 नहीं आ रहा तो फिर दिक्कत है। यार डीएसबी अभी साइंस है तुम्हारे पास, 2 महीने तुम्हारे पास हैं, सेकेंड अटेम्प्ट दो अच्छे से, 94 अभी आ रही है तो 98 99 तक जा सकते हो। हाँ अमृत भाई एडवांस के लिए तैयारी करो। मैं ट्राई करूंगा, मैं पूरा सेकंड में 98 प्लस जाना कि। हाँ यार बढ़िया है यार, 98 तो जा सकती है, 94 है, और 98 जाने के लिए तुम्हें सिर्फ 5-6 क्वेश्चंस और सही करने हैं। तो तुम अपनी गलतियां देखो, तुमने पहले अटेम्प्ट में क्या गलतियां की हैं, उन गलतियों को बस हटाओ, आराम से 98 आ जाएगी। फेडरिक तो 12th में ही है भाई, तुम्हारा ही साथ का है। पूछ पूछ ले लो भाई, भाई, 5-6 क्वेश्चंस हो ऑफेंड भी जाएंगे तो क्या ही कर लेंगे, बता दो। और ऑफेंड होऊंगा तो फिर क्या ही कर सकूंगा भाई। मैं महाराष्ट्र बोर्ड है और इधर बोर्ड में सबको कम आते हैं। अच्छा स्टेट बोर्ड में तो कम आते ही है, तो स्टेट महाराष्ट्र बोर्ड्स का बोर्ड थोड़ा कुछ हार्ड और होता है होता है यार, रूल? स्टेट बोर्ड्स का शायद 60% होता है रूल, 65 सिक्सटी शायद। सिक्सटी फाइव ऐसे ही कुछ होता है। आलोक भाई तो जा है, तू बिहारी है, मैं तेरे से बिहारी दोस्त टॉपर है, तू भी कर लेगा। हाँ भाई जल्दी जल्दी आप स्कोरिंग चैप्टर बता दो, बेस्ड ऑन जैन अटेम्प्ट टाइम कम है और एग्जैक्टली नेक्स्ट वीक बोर्ड्स है। यार बिहारी दोस्त टॉपर होते हैं, मेरा भी एक बिहारी दोस्त है जो कि लाइव स्ट्रीम में ही है, वो भी शायद टॉपर ही है। स्कोरिंग चैप्टर बताओ आशीष। यार फेडरिक क्या, ऐसे लाइव में क्या बताऊं मैं, एक वीडियो तो बना रखी है हमने शायद मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर्स की, देख और ले यार। जैन अटेम्प्ट के बेसिस पे अब स्कोरिंग चैप्टर्स का अलग एक वीडियो आ जाएगा, कल सुबह तक आ जाएगा, टेंशन मत लो। सुबह तक वीडियो ले आऊंगा मैं कि कौन कौन से टॉपिक स्कोरिंग है ऑन द बेसिस ऑफ जनवरी अटेम्प्ट, जो जनवरी में ज्यादा क्वेश्चन जिन चैप्टर्स हैं, ठीक है? उसका डेटा कलेक्ट कर ही रहा था अभी मैं कुछ देर पहले। यार जेन मैं बताता हूँ मैंने क्या मिस्टेक करी थी, ठीक है, मेरा मेंस देख अच्छा गया था, उसके बाद मैं खुश हो गया था कि मुझे कॉलेज मिल रहा है, और मैंने एडवांस की बिल्कुल तैयारी नहीं की थी, नेक्स्ट के जो 2-3 महीने थे मेरे पास, इसलिए मेरा एडवांस खराब चला गया, ठीक है। तो खुश नहीं होना है जब तक पेपर ना खत्म हो जाए लास्ट तक, और फुल हाँ अपना ट्राई देना है जब तक कि पेपर खत्म नहीं होता। ये नहीं कि हाँ मेरा रैंक अच्छा आ चुका है जेई मेंस में, अब मैं हल्का फुल्का बिना मन कर तैयारी कर रहा हूँ एडवांस के लिए, मुझे पता है कॉलेज मिल जाएगा, तो तुमको 100% देना है जब तक पेपर खत्म नहीं होता, तो तुम अच्छे से तैयारी करो यार, क्या ही बोले। हाँ कोशिश करो कि अपना दिमाग मत भटकाओ इधर उधर। जब तक कि एडवांस नहीं खत्म होता। और कुछ गाइस तुम लोगों को पूछना हो? बता दो यार जल्दी जल्दी, कुछ डाउट है तो। डीएसबी पूरा करने की ट्राई कर, ठीक है? यार पूरा इन द सेंस, जैसे मान ले 90 चैप्टर्स होते हैं जेई मेंस में, ठीक है, तो पूरा में 10 से 15 चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो पढ़ने के बाद भी तुमसे उसमें स्कोर नहीं होगा, तो उन चैप्टर्स को हटा देना, और कुछ और ऐसे चैप्टर्स हैं जो तुम्हारे वीक होते हैं 10 से 15 चैप्टर्स, उनको हटा देना। उसके अलावा जो बचे हुए 50 से 60 चैप्टर हैं वो पूरा करके जाना, ठीक है। हाँ फेडरिक भाई मुझे भी नहीं खिला रहा साला, अकेले खा रहा है बस। फिर से खा रहा, और कुछ डाउट है तो पूछ लो गाइस जल्दी जल्दी। ठीक है बढ़िया है, डीएसपी जाओ और अच्छे से तैयारी करो, और कुछ डाउट हो तो वापस चैनल पे आना।
एंड करें क्या फिर? एंड करते हैं। कुछ डाउट है तुम्हें, या फिर कब कुछ सजेशंस देने हैं तुम्हें, या फिर कुछ कब लाइव आना है, ये सब कुछ बताना है तो बता दो फटाफट, फिर हम एंड कर रहे हैं इस सेशन को। नेक्स्ट लाइव कब आए ये बताओ तुम लोग, जल्दी जल्दी किस टाइम पे सबसे सही टाइम होता है तुम्हारे लिए लाइव आने के लिए, फ्री कब होते हो तुम लोग ये बताओ। क्या मुझे क्या भाई, अगर एनटीए ने वही गलती अप्रैल में ही दोहराई और स्टार्ट की शिफ्ट इजी और लास्ट की टफ हुई, ऐसे में क्या करेंगे फिर? देखो ऐसे में तुम कुछ तो कर नहीं सकते हो। मेरे हिसाब से ना अपना हमेशा बेस्ट देने का ही कोशिश करना है, क्योंकि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है? अगर तुम अपना बेस्ट दोगे तो जो इजी शिफ्ट होगा उसमें तुम 200+ तो इजीली स्कोर कर ही लोगे भाई, अगर तुम अपना बेस्ट देते आ रहे हो तो। ऐसे सुनने में बहुत अजीब लगता है कि भाई 200+ तो बहुत ज़्यादा नंबर है। नहीं, एनसीईआरटी से सीधे सीधे क्वेश्चन आएंगे तो 200+ क्यों नहीं आएगा, सबके आएगा, ठीक है? प्रियांशु भाई पहले से तुमने साथ में लिख रखा है एनआईटीएम, उसके बाद पूछ रहे हो मिनिमम परसेंटाइल फॉर एनआईटी, ऐसा क्यों भाई? एंड हाँ आलोक आया करेंगे, चिंता मत कर। मानव भैया, मैं तो पहले से ही एडवांस के लिए फोकस हूँ। हाँ सही है, 12 मार्च का बोर्ड खत्म है सीबीएसई का, पीसीएम वालों का। अच्छा, तो डीएसपी भाई समझा। एंड कोशिश कर कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स तू फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में से निकाल जो 50 से 90 के बीच में वैरी करना चाहिए। 50 तो मिनिमम क्रॉस करना ही है तुमको। मैथ्स में चलो एक समय को तुमसे पेपर सॉल्व नहीं हुआ तो चलता भी, अगर तुम्हारा मैथ्स वीक है तो, लेकिन इसमें भी तुम्हें मिनिमम 20, या चलो 20 भी ज़्यादा ले लिया मैंने, 25 क्वेश्चन आते हैं ना, 25 में अगर मान लो तुमने 4 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया तो 16, 16 से 40 मार्क्स का तुम्हारा रेंज तो होना ही चाहिए मैथ्स में, ठीक है? नहीं आलोक भाई बिल्कुल भी नहीं। मिनिमम परसेंटाइल फॉर एनआईटी भाई 92-93 तो क्रॉस करना ही पड़ेगा, समझा? सिर्फ एनआईटी के लिए अच्छी एनआईटी चाहिए तो बढ़ाते जाओ परसेंटाइल, अच्छी ब्रांच चाहिए तो 97, 98, 99 पे जाओ। सिर्फ एनआईटी के लिए तो 92, 93 पे मिल जाती है एनआईटी अच्छी ब्रांच, लेकिन वही मिलेगा तुम्हें सबसे लास्ट वाले। चलो गाइस ठीक है, सेशन एंड करते हैं, कुछ डाउट है तो पूछ लो 2-3 मिनट के अंदर। वीडियो नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए वो बता दो। पोल डाल दूंगा गाइस, तुम लोग चैनल का पोस्ट देखते रहना, ठीक है? उस पर मैं कुछ कुछ अपलोड करते रहता हूँ। आयुष रंजन फिजिक्स वन शॉट के लिए कोई एडुकेटर बता दो। एड्यूनिटी, हाँ एड्यूनिटी गोयनका सर है, ठीक है? उनसे कर सकते हो। बाय बाय। देख फिजिक्स में अगर कम रह जाता है ना डीएसबी, तो तेरा फिजिक्स में कुछ मतलब जो प्रॉब्लम्स उनको टैकल कर। जैसे पहले तो फार्मूला शीट तैयार करो फिजिक्स के लिए, एंड फार्मूला याद रखो कि कौन सा फार्मूला कब यूज़ होता है, जैसे इनर्शिया विनर्शिया के जो फार्मूलाज हैं, ठीक है? वो सब मुंह पे होने चाहिए तुम्हारे। एंड कॉन्सेप्ट्स को कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं वो भी तुम्हें फिजिक्स में आना चाहिए। फिजिक्स में सबसे ज़्यादा दिक्कत यही होता है कि कॉन्सेप्ट भी लोगों को समझ आ जाता है लेकिन उसको क्वेश्चन में अप्लाई नहीं कर पाते। तुम्हें वो सीखना है कि किसी कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन में अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व किया कैसे जाता है, तो वैसे करेगा तो तेरा हो जाएगा फिर सॉल्व। ठीक है चलो गाइस, इसी के साथ एंड करते हैं आज का सेशन। बोर्ड्स प्लस मेंस मैनेज हो जाएगा अभी से, अगर ठीक ठाक एनआईटी चाहिए तो वेरी यार इजीली भाई। हो जाएगा, मतलब तू जो बोर्ड्स के चैप्टर्स पढ़ रहा है ना उसको अच्छे से कर ले, सो दैट वो एडवांस लेवल तक जाए, मतलब मेंस लेवल तक जाए, और उसके बाद मेंस की तैयारी कर लेना बोर्ड्स के बाद। 11 की फिजिक्स बर्बाद है ना, तो तू एक एक चीज कर सकता है, अभी तेरे पास काफी दिन है।
जो 11th के फिजिक्स के चैप्टर्स 12th में यूज होते हैं उन सारे चैप्टर्स को तो एटलीस्ट कर ही लो। ग्रेविटेशन पढ़ ले, क्योंकि तेरा अगर 12th तू पढ़ा हुआ है तो 12th में इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ा होगा तूने, तो उसका तू इक्विवेलेंट ग्रेविटेशन पढ़ सकता है। यार कुणाल 95% कितने भी बनेगी वो शिफ्ट पे डिपेंड करता है, बट ऑन ऑन एवरेज 95 के लिए 150 से 160 नंबर चाहिए। अगर मैं हर पेपर की बात करूँ तो मीडियम लेवल की, हार्ड होएगा तो 120-130 बन जाएगा, इजी होगा तो 180 तक जाएगा। एंड फिर 11th के फिजिक्स में और तुम क्या पढ़ सकते हो, फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, ठीक है, विस्कोसिटी हो गया, ये सब छोटे छोटे चैप्टर होंगे, ठीक है, ये सब तुम फिजिक्स पढ़ सकते हो 11th क्लास की, जो जो इजी टॉपिक्स है वो सब पढ़ो। एंड फिर हाँ पढ़ा है, चलो तो तब तो बढ़िया चीज़ है, ऐसे ही करके देख लो। अब काम चलाने भर तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अब उसके ऊपर तुम्हें समय मिले तो फिर जाना मोशन की ओर, ठीक है, NLM की ओर, फिर तुम्हारा रोटेशन की ओर, ठीक है, सर्कुलर मोशन की ओर, वर्क पावर एनर्जी की ओर, ठीक है, WPE तो करके ही जाओ, मैं तो बोलूँगा, उससे तो बहुत इजी लल्लू जा वर्क क्वेश्चन पावर आता। एनर्जी, चलो गाइस ठीक है, सेशन एंड करते हैं अब हम। फ्लूड्स हार्ड लगता है भाई, फ्लूड्स हार्ड लगता फ्लूड्स क्यों टफ लगता है भाई? संजना जहाँ देख, फ्लूड्स अगर तुझे टफ लगता है ना, पहले ये बता कि देख अभी तेरे पास समय ठीक ठाक है, एक काम कर, मोहित यूट्यूब पे सर्च कर, मोहित त्यागी फ्लूड मैकेनिक्स, ठीक है, फ्लूड मैकेनिक्स, उसमें ABJ सर आएंगे, वो बेस्ट पढ़ाए हुए हैं फ्लूड मैकेनिक्स पूरे यूट्यूब पे, तो मैं उनसे अगर पढ़ के समझ नहीं आ रहा है तो समझ तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, तुम उनसे एक बार जाके पढ़ के ट्राई करो, एकदम बढ़िया से समझ आए। अतुल भाई अभी चालू नहीं हुआ मेडिसिन की तैयारी, अब करेंगे हम चालू। आपकी तो फुल पढ़ाई हो रखी है मेडिसिन की, अतुल भाई टॉपर। भाई अतुल तो टॉपर है भाई, अब अपने कॉलेज का। कुणाल यादव भाई सिलेबस हो रखा है पूरी, रिवीजन पड़ी है, कैसे करूं भाई? रिवीजन करने का देखो तुम, एक तरीका है कि तुम क्वेश्चन सॉल्विंग करो और उसके थ्रू रिवीजन करते जाओ, एंड रिवीजन करने के साथ शॉर्ट नोट्स भी प्रिपेयर करते जाओ, ठीक है, हाँ एंड शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मतलब जब उसको तुम क्वेश्चंस बनाना ना तो साथ में जो तुमको नए नए कॉन्सेप्ट मिलेंगे, कुछ फॉर्मूलेज मिलेंगे, वो सारे लिखते जाना एक शॉर्ट नोट्स पे। एंड उससे क्या होगा कि तुम जब लिखते भी जाओगे और उसको करते भी जाओगे, तुमको वो याद भी होते जाएगा धीरे धीरे। और कुछ अलग क्वेश्चन मिलता है हटके, जो तुमसे नहीं बनता है उनको मार्क कर लो कि लास्ट के टाइम पे 1-2 दिन पहले तुम वो सारे क्वेश्चंस भी देख लो एक बार। ओपिनियन ऑन मंजिल 24 अच्छा बैच, बात है भाई, यार बैच देखो सारे अच्छे होते हैं, बात यह है कि तुम कितने मन से पढ़ रहे हो बैच के लेक्चर्स को, और साथ में कंसिस्टेंसी कितनी अच्छी है तुम्हारी। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है, बैच नहीं। यूट्यूब से पढ़ के बच्चे 99% लाते हैं। सेशन एंड कर दे क्या? चलो गाइस फिर एंड करते हैं आज का लाइव सेशन, एंड फिर हम लोग मिलेंगे कल या फिर परसों या फिर जब भी, देखते हैं जो जैसे सिचुएशन होगी उस हिसाब से। एंड आप लोगों को जो भी वीडियो का डिमांड होगा वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड इधर उधर कहीं पे भी आप लिख के भेज सकते हैं, ठीक है, एंड कनेक्ट करना है अगर मुझसे या फिर आशीष से तो फिर इंस्टाग्राम ID भी दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में, वो भी चेकआउट कर लो एक बार। एंड तब तक के लिए इतना ही गाइस, ठीक है, कुणाल यादव थ्योरी से ज़्यादा क्वेश्चन करूंगा अब, हाँ यस, सही है, मान एंड लो करो। ऐसे ही प्लानिंग के साथ पढ़ते रहो, एंड बिल्कुल भी डिप्रेस मत हो, अभी तुम्हारे पास अप्रैल अटेम्प्ट है, तुम उसमें उखाड़ सकते हो, ठीक है, तो चलिए गाइस बाय, एंड जो भी लोग नए हो ठीक है बने रहना चैनल पे, मैं काउंसलिंग के भी तुम्हारे मदद करते रहूंगा, काउंसलिंग तक मदद करूंगा, जोसा जैक जो भी है, दूसरे दूसरे एग्जाम भी होते हैं इंजीनियरिंग के जैसे बिट सैट ये वगैरह वगैरह, उनके बारे में भी बताते रहूंगा। तो गाइस इसी के साथ बाय एवरीवन, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रीम में।
तो गाइस इसी के साथ क्या हुआ बोलो।